हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबस्टेशन में कौन कौन सी रिले लगी होती हैं और कौन सा फॉल्ट आने पर कोई उन सी रिले आती है। तो इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मेरा ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के ऊपर। बहुत ही डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगा, इतनी डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यूट्यूब पर आज से पहले वो ना तो हिंदी में अवेलेबल है ना ही इंग्लिश में। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो सबस्टेशन में जो रिले होती है वो होती है, उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिलेज। रिलेज डिजाइन टू ट्रिपल सर्किट वैन अ फॉल्ट डिटेक्टिव। एक रिले को डिज़ाइन किया जाता है कि जब भी कोई फॉल्ट हो तो वो उसको डिटेक्ट करके आगे हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा दे, जिससे कि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो जाए। इन नाउ डेज दीज आर वेरी सेंसिटिव रिले। इन दिनों जो है बहुत ही सेंसिटिव रिले चली हुई हैं, क्योंकि उनको हल्का सा पल्स मिलता है, मीन्स छोटे से छोटा फॉल्ट मिलते ही वो जो है आगे हमारे सर्किट ब्रेकर को कमांड दे देती हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजिटल प्रोटेक्शन रिले इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले और स्टैटिक रिले और सॉलिड स्टेट रिले। तो इन दिनों जो रिले चल रही हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजिटल रिले, पुराने ज़माने में होती थी इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले और सॉलिड स्टेट रिले। दीज रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम। ये जो ये रिले हैं ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई हैं, जैसे कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर्स, जनरेटर, मोटर्स, बस बार और जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए हमारे को ये रिले लगानी पड़ती हैं। क्योंकि हमने इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स जो खरीदे हैं उनको हमारे को जो है कम से कम 30 से 40 साल चलाना है, इसलिए हमारे को जो है बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, पुराने ज़माने में जो रिले यूज़ करते थे वो होती थी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रिले। ठीक है, मैंने खुद ये रिले देखी हुई है। और तो इनमें जो है ये जो ये रिले होती थी इनमें जो है मूविंग पार्ट बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो जैसे 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 ही करंट बढ़ता था फॉल्ट होने पर, तो ये जो आप देखो ये जो ये डिस्क है, ठीक है, ये घूमती जाती थी और कॉन्टैक्ट को मेक और ब्रेक करती जाती थी और आगे जो है वो सर्किट ब्रेकर को कमांड दे देती थी। तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है सबस्टेशन में सर्किट ब्रेकर कैसे ट्रिप होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जरूर देखना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बना रखा है। उसके बाद में आई सॉलिड स्टैटिक रिले, या सॉलिड रिले भी बोलते हैं उनको और स्टैटिक रिले भी बोलते हैं। तो इसमें जो है मूविंग पार्ट्स नहीं होते थे। ठीक है, ये देखो जैसे कि ये आप इसका सर्किट देख रहे हो, जितनी भी हमारी सर्किट जितने भी हमारी रिलेज हैं, ठीक है, उनको जो जो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कमाने के लिए कराने के लिए कमांड जो मिलती है वो मिलती है सीटी और पीटी से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया सीटी और पीटी का क्या काम है, मेजरिंग और सेकंड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, सीटी और पीटी के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो भी आप ज़रूर देखना, बहुत ही डीपली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये थी उसके सॉलिड स्टेट रिले। ठीक है, उसके बाद में आई ये माइक्रो प्रोसेसर रिले। ठीक है, ये देखो आप, ये है हमारी माइक्रो प्रोसेसर रिले। इसके पहले जो थी, इसके पहले जो आई, एक मिनट, इसके बाद में जो रिले आई, ठीक है, वो आई हमारी, ये देखो आप, न्यूमेरिकल रिले। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल रिले में क्या होता था, जो सॉलिड स्टेट रिले के बाद में आई न्यूमेरिकल रिले। तो न्यूमेरिकल रिले में क्या होता था, जो भी हमारा जैसे कि करंट और वोल्टेज है, ठीक है, वो हम डिजिटल फॉर्म में देख सकते थे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी आती थी, जैसे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनको बोलते थे हम न्यूमेरिकल रिले। ठीक है, जितना भी हमारा करंट वोल्टेज है वो हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देख सकते थे। और उसके बाद में जो आई वो आई माइक्रो प्रोसेसर रिले। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर रिले में क्या हुआ, और भी छोटा करते गए, ठीक है, जितने भी हमारे कंपोनेंट थे, जैसे अभी न्यूमेरिकल रिले के आउटपुट में भी जो है और छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते थे, और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बट उन रिले में, न्यूमेरिकल रिले में, आज की न्यूमेरिकल रिले और माइक्रो प्रोसेसर रिले में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, और अब चालू करते हैं कि सबस्टेशन में कौन कौन सी रिले लगी होती हैं। ये देखो, तो सबस्टेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिले हैं जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगी वो होती है ओवर करंट रिले। तो सबस्टेशन में सर्किट ब्रेकर कैसे ट्रिप होता है मैंने वीडियो बना रखा है, जरूर देखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिले है वो है ओवर करंट रिले। तो ओवर करंट रिले कब आती है, जब करंट हमारा बढ़ जाता है।
जैसे हमारा कुछ भी फॉल्ट हुआ, ठीक है, जैसे कि लाइव टू अर्थ जब भी शॉर्ट होगा या फेस टू अर्थ शॉर्ट हो गया, मतलब किसी भी कंडीशन में हमारा करंट जो है बढ़ गया। जैसे कि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर और वायर के बीच में, ठीक है, कुछ भी शॉर्ट हो गया किसी भी वजह से, वो चाहे हमारा इंसुलेटर पंचर हो गया या फिर जैसे चिड़िया है, चिड़िया ने वायर गिरा दिया तो फेज और न्यूट्रल शॉर्ट हो गए, मीन्स फेज टू अर्थ शॉर्ट हो गए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि करंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में आती है हमारी ओवर करंट रिले, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे फेज सीक्वेंस रिले, तो जैसे थ्री फेज सप्लाई होती है, तो थ्री फेज सप्लाई में क्या होता है, जैसे हमारा एक इनकमर बंद हो गया है, ठीक है, या फिर जो है फेज की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो उस कंडीशन में आती है हमारी फेज सीक्वेंस रिले, या फिर हमारा एक फेज जो है वो बंद हो गया है तो क्या है, फेज फेलियर रिले और फेज इम्बैलेंस रिले, ठीक है। मतलब जब भी हमारे फेज में थ्री कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उस कंडीशन में आएगी फेज सीक्वेंस रिले। ये रिले जो है ये एक ही उसमें आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर रिले, तो माइक्रो प्रोसेसर रिले में जो है ओवरलोड भी आ जाएगा और जो है अर्थ फॉल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, बट न्यूमेरिकल में ये जो है अलग अलग होता था। उसके बाद में ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज रिले, जैसे कि आप एक सबस्टेशन का एग्जांपल लो, उसकी कैप्स जैसे वो सबस्टेशन है वो 33 उसकी इनकमिंग है और 11 KV उसकी आउटपुट है, तो हमारी जो है एक प्रिस्क्राइब लिमिट होती है, ठीक है, जैसे 33 KV है तो 33 KV का हमने जो है 20% रखा हुआ है ओवर वोल्टेज और 10% रखा हुआ है अंडर वोल्टेज। तो 33 का जैसे 20% लगा लो आप, 3 और 3 6, 33 6 39, जैसे 39 KV वोल्टेज होगा, ठीक है, तो हमारा जो है ओवर वोल्टेज रिले आएगी और जो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप करा देगी। ऐसे ही अंडर वोल्टेज में होगा, ठीक है, तो ये जो है सब जगह जो है सेटिंग ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की अलग अलग होती है, मतलब वो सब स्टेशन के हिसाब से। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट रिले आई, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, उसको फीडर प्रोटेक्शन रिले भी बोलते हैं और महो रिले भी बोलते हैं। महो ये वर्ड है, ये ओम है, ओम से उल्टा वर्ड है। तो जैसे आपने देखा होगा कि महो का सिंबल भी जो है ओम का उल्टा रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, डिस्टेंस प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो जो है डिस्टेंस मेजर करती है, ठीक है, हमारी जो रिले जितनी भी हैं ये होती हैं इम्पीडेंस बेस्ड रिले, ठीक है, इनमें जो है इम्पीडेंस डाला जाता है करंट और वोल्टेज की सेटिंग के लिए। जैसे मैंने पहले ही बताया माइक्रो प्रोसेसर रिले में यही है, ठीक है, वहाँ पर हमारे को जो है करंट वोल्टेज ये सब तो डालना ही है और साथ में ये भी डालना पड़ता है कि इसका जो है रेजिस्टेंस कितना रखना है। और बहुत ही जब मैं आगे भी मैं ये चार वीडियोस बनाऊंगा, जैसे ओवर वोल्टेज और डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, तो इसमें ये एक में ही कवर हो जाएगा और आपको जो है बहुत डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसमें भी वही है, जैसे ही करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी डिस्टेंस प्रोटेक्शन में, ठीक है, जैसे कि हाँ मतलब जैसे कि जैसे 700 एम्पियर करंट हमारा नॉर्मल करंट था, तो जैसे ही एक हमारे को जो है हमने थोड़ा लिमिट भी दे के रखते हैं कि जो है जैसे 20% करंट ओवर जाए तो कुछ नहीं, जैसे ही करंट हमारा ज़्यादा जाएगा तो उस कंडीशन में आ जाएगी हमारी डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले। उसके बाद में रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, तो जैसे कि वायर टूट के जो है ज़मीन पे गिर गया है, ठीक है, मतलब और फॉल्ट जो है वो बना ही हुआ है, तो उस कंडीशन में आ जाएगी हमारी रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले, तो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए जैसे बहुत सारी रिले होती हैं, जैसे डिफरेंशियल रिले, मैग्नेटिक ऑयल गेज रिले और OTI WTI प्रोटेक्शन और जित PRD है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले के ऊपर आएगी, बहुत ही डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। पॉलीफेज डायरेक्शनल रिले, तो ये जो है एक DC में यूज़ होती है, ठीक है, मैं आपको जो है जब ये रिले बताऊंगा इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो आर्मेचर होता है, ठीक है, वो जो है ऊपर वैसे बैलेंस करके रहता है, ना तो वो पॉजिटिव साइड में पूरा झुकता है ना ही नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको इसकी बाद में बता दूंगा, पॉलीफेज डायरेक्शन की। रोंग फेस कपलिंग रिले, तो रोंग फेस कपलिंग रिले कौन सी कब आती है, रोंग फेस कपलिंग जब आएगी जब भी हमारे जैसे RB Y फेज हैं वो आपस में शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है,
जैसे आर भी मिल गए हैं, वो किसी भी जैसे कि जैसे किसी भी तरीके से आ सकते हैं वो, जैसे हमारा हमने कुछ गलत ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आ जाएगी, मतलब कि जैसे हमारे कुछ भी जैसे वायर आपस में शॉर्ट हो गए, आर बी वाई या आर वाई, ठीक है, तो उस कंडीशन में आ जाएगी हमारी रॉन्ग फेस कपलिंग रिले। उसके बाद में डीसी ओवर वोल्टेज, सॉरी ये टी लिखना था यहाँ पे, कोई बात नहीं, डीसी ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज रिले, जैसे ये ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज रिले है, ऐसे ही सबस्टेशन में एक डीसी ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज रिले भी होती है। तो इसका काम ये है कि जैसे कि जितना भी हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो डीसी सप्लाई पे चलता है, जैसे जितना भी हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काम करता है डीसी सप्लाई पे, तो डीसी सप्लाई अगर ओवर वोल्टेज होती है, ठीक है, जैसे हमारी लिमिट जैसे 220 वोल्ट डीसी है, ठीक है, तो 220 वोल्ट है तो ज़्यादा ज़्यादा वो 240 वोल्ट जाएगी, अगर उसको ऊपर जाएगी तो क्या होगा, हमारा जो जितना भी हमारे जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनको ये ट्रिप कमांड दे देगी। उसके बाद में एक और आता है कैपेसिटर बैंक प्रोटेक्शन, ये भी मैं आपको जो है बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा कि कैपेसिटर ये रिले में आपको जो है अलग से एक रिले कैपेसिटर बैंक की जो प्रोटेक्शन है उसको ऊपर जो है एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा आपको। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैपेसिटर बैंक में प्रोटेक्शन में जैसे होता है अनबैलेंस, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे कैपेसिटर के यूनिट्स हैं वो उनकी एकाध यूनिट की वैल्यू जो है बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, या तो बहुत कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में आता है अनबैलेंस रिले। और इसमें भी जो है कैपेसिटर में जो है ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज रिले आपको हर जगह मिलेगी। तो ये थी कि सबस्टेशन में कौन कौन सी रिले होती हैं। उसके बाद में चलते हैं हम ट्रैक्शन सबस्टेशन में, तो ट्रैक्शन सबस्टेशन में कौन कौन सी रिले होती हैं, जो रिले वहाँ यूज़ होती हैं सेम वही रिले यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो जैसे एचवी साइड में कौन कौन सी रिले होती है, वहाँ पर ओवर वोल्टेज रिले और अर्थ फॉल्ट रिले, और सेकेंडरी साइड में ओवर वोल्टेज रिले अर्थ फॉल्ट रिले, ठीक है, और फीडर की प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा जो ओएचई का वायर है, जैसे कि हमारा जो ओवरहेड इक्विपमेंट है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये चार रिले होती हैं। सबसे पहले ये ओवर करंट रिले, फिर उसके बाद में अगर ओवर करंट रिले काम नहीं करती है तो उसके बैकअप में ये लगी रहती है वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले। तो वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले किस लिए लगाते हैं, वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले लगाते हैं हाई रेजिस्टिव फॉल्ट के लिए। तो हाई रेजिस्टिव फॉल्ट किस टाइप का होता है, जैसे कि हमारा जो ओएचई का वायर है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ट्रैक पे गिट्टी रहती है, तो गिट्टी जो है वो इंसुलेटर होती है, तो वो जो है फॉल्ट परमानेंट नहीं बनाती, ठीक है, मतलब रेजिस्ट होता रहता है, तो उस कंडीशन में आती है हमारी वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले। या फिर कुछ है जैसे जैसे पेड़ है, अब पेड़ की डाली हवा चली, पेड़ की डाली उधर गई, तो उधर जाने पे क्या होगा कि ओएचई के पास में गई, तो जो लाइव टू अर्थ क्लियरेंस है वो कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आएगी हमारी वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले। रॉन्ग फेज कपलिंग, जैसे पीछे भी बताया, जब भी दो फेज आपस में अगर शॉर्ट हो गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आएगी रॉन्ग फेज कपलिंग। उसके बाद में आएगी पेंटो फ्लैश ओवर रिले, तो पेंटो फ्लैश ओवर रिले काहे के लिए लगाते हैं, जैसे कि ये भी लगाते हैं हम ओएचई की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद में डीसी ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज रिले और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन रिले और कैपेसिटर बैंक प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये सब रिले जो है ट्रैक्शन सब स्टेशन में होती हैं, ठीक है। इसमें जो है ट्रैक्शन सब स्टेशन में ये दो रिले एक्स्ट्रा आ गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी, वेक्टोरियल डेल्टा आई रिले और पेंटो फ्लैश ओवर। बाकी रिले जो इस सब स्टेशन में थी वही रिले इस सब स्टेशन में, ठीक है। तो ये तो थी कि सब स्टेशन में कौन कौन सी रिले होती हैं। अब आपको जो है ये कुछ क्वेरी आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, और प्लीज़ यार लाइक और शेयर तो ज़रूर करना, जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो और अपने जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर दो फेसबुक पे, ठीक है। तो इसके बाद मेरी जो वीडियो आएगी वो आएगी ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के ऊपर, 3 दिन बाद में ही आ जाएगी। तो जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो इसमें जैसे ये एक रिले है, तो इसमें जितने भी इसके फंक्शन हैं मोड, एलईडी रीसेट, एचडब्ल्यू रीसेट, बाईपास टेस्ट, तो जो आने वाले वीडियोस जो मैं बनाऊंगा वो जो है एक ऐसे रिले ले लेंगे हम, और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, और किस किस वजह से कौन सा फंक्शन आता है, ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।